एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये एक्सरसाइज, फिर अपन उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जब अपन 5.3 से बात करेंगे। ये एकदम लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है, चार संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, यदि इन संख्याओं का योग 50 है तथा सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है तो वो संख्याएं ज्ञात करो। कौन सी ये चारों संख्याएं ज्ञात करनी है कि पहली संख्या कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी, चौथी, ये हमें मानना पड़ेगा, ये हमारी बुक में मिलेगा। क्या मानेंगे, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या में करेंगे a माइनस का 3d, यानी a माइनस का 3d, पहली संख्या मानेंगे a माइनस का 3d, दूसरी संख्या होगी a माइनस का d, इसकी करेंगे तीसरी संख्या को मानेंगे a प्लस b, और चौथी संख्या मानेंगे a प्लस 3d। ये हमारी समांतर श्रेणी में चारों संख्याएं हैं। पहली संख्या का मतलब है सबसे छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, सबसे चौथी संख्या हो जाएगी संख्याओं की बड़ी संख्या, यानी ये आरोही क्रम में होगी। आरोही क्रम का मतलब है छोटी से बड़ी के क्रम में हमें मिलेगी, और चारों संख्या समांतर श्रेणी में हमें मिलेगी। अब ये कह रहा है यदि इन संख्याओं का योग 50, किनका, इन चारों का योग कह रहा है 50, तो प्रश्नानुसार हम बनाएंगे, प्रश्नानुसार क्या करेंगे, इन चारों का योग, तो a माइनस का 3d, योग का मतलब प्लस, a माइनस का d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d बराबर 50, इन चारों संख्याओं का योग 50। अब देखिए 3d माइनस का, 3d प्लस का, 1d माइनस का, ये d प्लस का कट गया, एक 2a 3a 4a, तो 4a बराबर आएगा 50, a बराबर आएगा 50 बटे 4, जितना आपको आपसे कट रहा है काट, एक की पाड़े से, दो दूनी चार, दो पंजे दस, यानी 25/2, क्या आया a। दूसरा कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, ये सबसे बड़ी संख्या है और ये सबसे छोटी संख्या है, तो ये कह रहा है सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4, सबसे बड़ी संख्या कौन सी, ये, तो सबसे बड़ी संख्या a प्लस 3d बराबर सबसे छोटी संख्या की कितनी है, 4 गुणी, तो 4 किसकी, सबसे छोटी संख्या की, यानी a माइनस का 3d सबसे छोटी संख्या की 4, तो इसे a प्लस 3d बराबर 4a माइनस के 12d, इसको पक्षांतर करेंगे, पक्षांतरण करे में डी का उधर ले आओ, ए अपन उधर ले जाए, तो 3d प्लस के 12d बराबर 4a माइनस का ए, 3d और 12d को हम जोड़ देंगे, 3d 12d यानी 15d बराबर 4a में से एक ए घटाएंगे 3a, डी बराबर 3a बटे 15, 3 × 1=3, 3 × 5=15, यानी a का मान 1/d का मान हुआ 1/5a, ये आपका क्या आया, d आ गया, यस। अब हम देखेंगे कि चारों संख्याएं हमें ज्ञात करनी है, तो अब देखिए अभी तक d नहीं है, d बराबर 1/5 इंटू a, ए का मान कितना है 25/2, 5 × 5 5×5=25, यानी 5/2, ये हमारा हो गया डी, ये हमारा हो गया ए,
अब हम पांचों संख्याएं ज्ञात करेंगे, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या। तो अतः पहली संख्या में मैंने क्या करवाया, a माइनस का 3d, a माइनस का 3d, a का मान है इसमें 25/2 माइनस 3, डी का मान है 5/2, तो 25/2 माइनस 15/2, लघुत्तम लेंगे 2, 2 में 2 से भाग 1, 1 को 25 से गुणा 25 माइनस 15 बराबर 10/2 काट देंगे यानी 5, तो इसका आंसर कितना आया अभी इसमें 5, कौन सी, पहली संख्या। अब करेंगे दूसरी संख्या हमारी क्या है, a माइनस का d, यानी a माइनस का d, a है 25/2, d है 5/2, हम लघुत्तम लेंगे 2, 25 माइनस के 5 कितना आया इसमें 20/2, काट देंगे 10, यानी क्या आया 10, क्या आई, दूसरी संख्या हमारी आ गई 10। इसी प्रकार इसी क्रम में हम करेंगे तीसरी संख्या में करेंगे a प्लस का d, तो a का मान आया 25/2 प्लस d का मान 5/2, लघुत्तम लेंगे 2, 2 में 2 से भाग 1, 1 को 25 से गुणा 25 प्लस 2 में 2 से भाग 1, 1 को 5 से गुणा 5, 25 और 5 को जोड़ेंगे 30, 30/2 यानी काट देना इसका कितना आया 15। देखिए पहली संख्या ये रही, दूसरी संख्या ये रही, तीसरी संख्या ये रही, अब एक लास्ट संख्या और रह गई चौथी संख्या। चौथी संख्या में हम क्या है हमारा a प्लस 3d, तो हम करेंगे चौथी संख्या a प्लस 3d, a का मान है जैसे 25/2, तो हम लिखेंगे 25/2, यहाँ कर करवा देता हूँ 25/2 5/2, इसका लघुत्तम लेंगे 2, तो 2 में 2 से भाग 1, 1 को 1 से, 1 को 25 से गुणा 25 प्लस 25 प्लस, और ये 3d है इसमें, तो 3 × d का मान 5/2, यानी एक बार थोड़ा सा इसको 25/2 प्लस 5 × 3 = 15/2, लघुत्तम लिया 2, 25 प्लस 15 यानी 40/2, काट देंगे आया कितना 20। अब देखिए चारों संख्याएं, वो कह रहे सर चारों संख्याएं ज्ञात करो, पहली संख्या 5, दूसरी संख्या 10, तीसरी संख्या 15, चौथी संख्या 20, अतः संख्याएं ज्ञात करो, अतः चार संख्या में आएगा 5, 10, 15, 20, ये इसका आंसर। ये एक सवाल के अनुसार चारों संख्याएं, वो चारों क्या है समांतर श्रेणी में 5, 10, 15, 20, ये चारों समांतर श्रेणी में आते हैं। ये सवाल के हिसाब से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 5.2 एक्सरसाइज पूरी हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम 5.3 एक्सरसाइज देखेंगे।